पटिराम यादव। कितने दिन से यहाँ गौशाला में सेवा कर रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल से आप यहाँ? सब ये पुरानी गौशाला है, 40 साल से आप ही हैं यहाँ? 100 साल से ऊपर। हाँ, तो दोस्तों देखिए, 100 साल से ऊपर की गौशाला है श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर आजमगढ़। यहाँ पर आजमगढ़ शहर के लोग या फिर बाहर के लोग अगर दान देना चाहें, गौसेवा में अपना योगदान देना चाहें, तो कैसे दे सकते हैं राजकमल जी? यहाँ पे अगर वो चाहें तो अपना खुद का भी अलग से सामान, चुन्नी चोकर जो भी, वो भी डायरेक्ट भी पहुँचा सकते हैं, अपना घुसा भी दे सकते हैं। अगर वो देने में असमर्थ हो, भेजने में असमर्थ हो, तो वो यहाँ पे अकाउंट नंबर है, श्री कृष्ण गौशाला का खाता बना हुआ, ट्रस्ट का खाता बना हुआ, उस खाते में आर्थिक रूप से मदद वो डाल सकते हैं। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश कि आजमगढ़ जनपद अंतर्गत आजमगढ़ शहर के ठीक बीचों बीच चौक पहाड़पुर एरिया में आए हुए हैं। इस जगह पर श्री कृष्ण गौशाला नाम की एक संस्था है, जहां पर अगल बगल की गांवों को लाकर रखा जाता है। जो भी गाय ऐसे घूमती हैं शहरों में, निराश्रित होती हैं, ऐसी गांवों को लाकर रखा जाता है और उनकी बकायदा सेवा की जाती है। दोस्तों कि शहर के जो मानिंद लोग हैं वो किस प्रकार इस गौशाला को संचालित करते हैं, अपना योगदान देते हैं और गांवों की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि। ये जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग की ये पावन स्थली शिक्षा का मंदिर रहा है। आज हमारे दो चार मित्र हमारे साथ आए हैं यही घूमते अवलोकन करने के लिए कि राजकमल जी जो हमारे मित्र हैं बचपन के, हम लोग के साथ स्कूलमेट में हम लोग के साथ हैं, बचपन से हम लोग साथ पढ़े हैं, आज वो मंदिर निर्माण के लिए दो कदम चलने की बात की। हाँ, यहाँ बात हो रही थी कि जो ये पुराना हनुमान जी का मंदिर है उसे फिर से बनाया जाएगा और शिव जी का और दुर्गा जी का और हनुमान जी की प्रतिमाएं, उसमें 3 गर्भगृह होंगे, तो इस उद्देश्य से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए जी? आज वही अवलोकन के लिए हम लोग आए हैं। तो निश्चित रूप से अगर रियासत गाँवों को हम अपने घर की एक रोटी ही, हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्षमताएं हर आदमी की अलग अलग हैं, तो अगर एक रोटी ही अपने निवाले की अगर लाके हम इन गौ माता को, जो हमारे धर्म में माता का स्वरूप मानी जाती है, उनको अगर हम देते हैं तो ये दान एक बहुत बड़ा कागज बन जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो निराश्रित गाँव हैं इन कभी भी भूखे पेट नहीं रहेंगे, और जब ये भूखे पेट नहीं रहेंगे तो निश्चित से हम और हमारा परिवार, हमारा समाज खुशहाल होगा। ज्योतिषी हैं और कर्मकांड का कार्य करते हैं। दोस्तों क्या गौ का महत्व है हमारे शास्त्रों में, कर्मकांड में और ज्योतिष में? गौ जैसा कि आप जानते हैं हमारे कर्मकांड में अति पूज्य मानी गई है। इसका कोई भी अंग, कोई भी, इसका कोई भी द्रव्य जो निकलता है, गाय का दूध, गौमूत्र और गाय का गोबर, सब कुछ हमारे यहाँ पूज्य है। तो आप लोग मन से सेवा करते हैं, यहाँ के संचालक आप लोगों का सहयोग करते हैं? हाँ, हम लोग बहुत मन से सेवा करते हैं। बहुत अच्छा काम है, गौ सेवा तो वैसे भी बहुत पुनीत काम है। कितने लोग हैं आपके? हमारे यहाँ 4 स्टाफ है। उनको काम भी आपने बांटा होगा? हाँ हाँ, सबका काम है, अलग अलग काम, अलग अलग काम है। केवल गोबर वाली तो अपना उठाती है, बाकी तो हम लोग अपने से मिलकर इकट्ठे हम सब लोग करते हैं। गौशाला में गौ सेवार्थ कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद दुबे, नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। अच्छा अच्छा, आम आदमी पार्टी के आप नगर अध्यक्ष हैं। गोविंद दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो सबके बीचों बीच में यह गौ सेवा का पुनीत कार्य होता है, काफ़ी दिनों से होता आ रहा है, जैसा कि सेवा करने वाले पतिराम जी ने बताया, तो यहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, ये हम लोग की कर्मस्थली रही है। ये जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग की ये पावन स्थली शिक्षा का मंदिर रहा है। आज हमारे दो चार मित्र हमारे साथ आए हैं यही घूमते अवलोकन करने के लिए कि राजकमल जी जो हमारे मित्र हैं बचपन के, बचपन से हम लोग साथ पढ़े हैं, आज वो मंदिर निर्माण के लिए दो कदम चलने की बात की। हाँ, यहाँ बात हो रही थी कि जो ये पुराना हनुमान जी का मंदिर है उसे फिर से बनाया जाएगा और शिव जी का और दुर्गा जी का और हनुमान जी की प्रतिमाएं, उसमें 3 गर्भगृह होंगे, तो इस उद्देश्य से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए जी? आज वही अवलोकन के लिए हम लोग आए हैं और सारे मित्र जो हम लोग विद्या मंदिर की इस पूर्ण भूमि पे पड़े हुए हैं वो हम दो चार मित्र यहाँ उपस्थित हैं और इस अवलोकन से आए थे। दूसरी चीज़, इस परिसर में एक बहुत ही पुनीत काम जो आपने कहा कि गौ सेवा संबंधित, तो निश्चित रूप से ही ये बहुत ही धर्म का काम हो रहा है, बहुत बड़ा धर्म का काम हो रहा है। और यह यहाँ से इस सीख को आजमगढ़ की हर उस जनता को लेनी चाहिए कि जो गायें रोड पे कहीं भी बिना किसी पानी खाने के तरस रही हैं, उनको वो यहाँ ला के छोड़ें तो निश्चित रूप से उनका भी भरण पोषण होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा समाज को। और गौ सेवा माने धरती की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है हिंदू धर्म में, तो निश्चित ही उसका भी पुण्य का भागी वो व्यक्ति बनेगा। तो इसी विचार से हम लोग यहाँ आए हैं और ये गौ सेवा का जो भी काम ये संस्था करती है, इस संस्था के उन सभी सदस्यों को मेरी तरफ से साधुवाद और धन्यवाद है कि जो इस पुनीत काम को यहाँ पे निरंतर अनवरत ये कई सालों से करते चले आ रहे हैं। ये बहुत ही धर्म का काम है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं लोग कि निराश्रित गौओं के लिए गौशाला है। जो आज समाज में एक बड़ा गंदा प्रचलन छूट चुका है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके आजमगढ़ के पास से गुजर रहा है और बहुत सारे लोग गायों को, बछड़ों को, जो बाज हैं या फिर बछड़े हैं, उनको ले जाकर उसके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। ये कितना घृणित कार्य है। जो किसान हैं हमेशा से गौ सेवा करते आ रहे हैं, वह अब गौ सेवा नहीं करना चाहते और यहाँ शहर की इतनी क्रीम जगह पर एकदम बीचों बीच हृदय में बसे हुए पहाड़पुर में व्यवसायी बंधु ये गौशाला का कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि एक्सप्रेसवे और ये आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की, हम लोग तो देखते हैं तो मन कभी एकदम द्रवित हो जाता है
दो चार गायें एक साथ एक्सीडेंट की हुई पड़ी हैं, किसी भी शासन प्रशासन की उस पर नजर नहीं आती है कि उनको दूर ले जाके कहीं एक उचित स्थान पे उनका उनको उनका उद्धार किया जाए, मतलब कि विसर्जन किया जाए। इसमें जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो ऊंचा हाईवे बन गया है तो जानते हैं कि ऊपर चढ़ा देंगे तो फिर गैया वापस नहीं आएंगी। या कितना घृणित काम है, ऊपर धूप लगेगी, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं, वैसे तड़प के मर जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी संकट की बात है और ये धर्म के विपरीत है ये काम। मैं उस उन सभी नागरिकों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया ये अपने धर्म का सृजन है और इसको संचय करना, इसकी सुरक्षा करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो गौ सेवा जिसको हमने बताया परम और बहुत ही पुनीत कार्य है, तो और वो भी निराश्रित गौओं की, जहाँ जो यहाँ आजमगढ़ के हर्ट में श्री कृष्ण गौशाले में जो हमारे माननीय सदस्य यहाँ ला के उनको रखते हैं, पोषण करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, ये इतना उपकार का काम है। तो मैं उन सभी बंधुओं को भी प्रणाम करता हूं और इस कार्य को हम सबको मिलकर करना चाहिए। हमारा भी जो योगदान हमसे संदर्भित होगा हम उसको यहां करेंगे और ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है हमारे मित्र राजकमल सिंह द्वारा, इसमें भी हम लोग का जो भी योगदान होगा वो हम उसके अनुकूल उसको चलेंगे। आपके माध्यम से, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपके माध्यम से भी मैं आजमगढ़ की जनता और आसपास के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस श्री कृष्ण गौशाला में अपना योगदान दें, अपना सेवा दें और अपना दान दें, क्योंकि यह निराश्रित गऊओं के लिए, ऐसी गऊओं के लिए जो इधर उधर शहर में घूमती हैं और एक दूसरे के द्वारा दुत्कारी जाती हैं, ऐसी गऊओं की ये शरण स्थली है और उसमें लोग लगे हुए हैं। आगे बढ़ चढ़ के आजमगढ़ के निवासी और आजमगढ़ के आसपास के रहने वाले लोग इसमें अपना योगदान दें, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अन्नदान, गऊदान, ये सारे दान बहुत ही बड़े बड़े दान की श्रेणी में आते हैं। तो निश्चित रूप से अगर निराश्रित गऊओं को हम अपने घर की एक रोटी ही, हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्षमताएं हर आदमी की अलग अलग हैं, तो अगर एक रोटी ही अपने निवाले की अगर ला के हम इन गौ माता को, जो हमारे धर्म में माता का स्वरूप मानी जाती हैं, उनको अगर हम देते हैं तो ये दान एक बहुत बड़ा काकस बन जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो निराश्रित गौएं हैं इन कभी भी भूखे पेट नहीं रहेंगे, और जब ये भूखे पेट नहीं रहेंगे तो निश्चित से हम और हमारा परिवार, हमारा समाज खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, क्या नाम है भाई साहब? अम्बरीश पांडे जी, मैं यहाँ पे ज्योतिष और कर्मकांड का कार्य करता हूँ आजमगढ़ में विगत 11-12 सालों से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आप ज्योतिषी हैं और कर्मकांड का कार्य करते हैं। दोस्तों, तो जैसा बताया जाता है गौशाला में गऊ अपने आप में ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ी हुई हैं और उनके समस्त अंगों की व्याख्या ज्योतिष शास्त्र में की गई है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या गऊ का महत्व है हमारे शास्त्रों में, कर्मकांड में और ज्योतिष में? गौ, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कर्मकांड में अति पूज्य मानी गई है। इसका कोई भी अंग, कोई भी इसका कोई भी द्रव्य जो निकलता है, गाय का दूध, गौमूत्र और गाय का गोबर, सब कुछ हमारे यहाँ पूज्य है। गौमूत्र जैसा कि आप जानते हैं पंचगव्य में इस्तेमाल होता है, गाय का गोबर हम गौरी बनाने तक में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए गाय तो हमारे लिए पूज्य है ही है, यह तो एक निर्विरोध विषय है। तो बस हमारा यही आपसे अनुरोध है कि आप लोग, विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं इस गौशाला को, आप जितना हो सके सहयोग करें इस गौशाला हेतु। आपने बताया कि गौ के समस्त अंग और गौ के समस्त पदार्थ हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। जैसा आपने पंचगव्य का नाम लिया, पंचामृत का नाम लिया, पंचगव्य हमें कर्मकांड से पहले शुद्ध होने के लिए पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य में कौन कौन सी वस्तुएं गाय की लगाई जाती हैं? इसमें हम मुख्य रूप से गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं, बाकी तत्वों में दही और दूध का इस्तेमाल होता है। जी, पंचगव्य में मूलतः गाय का गोबर और गौमूत्र, इससे हम सर्वप्रथम जो है उस स्थान को और उस व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करते उस स्थान को छिड़क के और उस व्यक्ति को पान करा के उसको शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद कर्मकांड प्रारंभ करते हैं। पंचामृत में गौ का कौन कौन सा पदार्थ लगता है? पंचामृत में गाय का दूध है, गाय से बनी हुई दही है, गाय के दूध से निकला हुआ घी होता है, और फिर शर्करा और मधु, दो चीज, मधु, शक्कर, गाय का दूध, गाय की दही और गाय का घी पंचामृत में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे बहुत मिलकर प्रसन्नता हुई कि इस गौशाला से आप लोग जुड़े हुए हैं और इस गौशाला में और यहाँ के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। हमें इस गौशाला की व्यवस्था देखने वाले जो प्रबंधक हैं वह मिल चुके हैं,
हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस गौशाला का संचालन किस प्रकार होता है। मित्रों, क्या नाम है भैया आपका? चंदन कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया जिला का रहने वाला। कितने साल से गौ सेवा का कार्य? 2011 से हैं, 10-11 साल चल रहा है। अच्छा, 10-11 साल से आप यहाँ प्रबंधकीय व्यवस्था देख रहे हैं। तो यहाँ की गौशाला कैसे संचालित होती है? यहाँ तो मतलब दूध उध का बहुत कम प्राप्त होता है। क्योंकि निराश्रित गऊ हैं, तो निराश्रित जानवर हैं, शहर से जानवर जो हैं अंधी है, लंगड़ी है, बाझिन है, बाकी सब आजमगढ़ के जो बड़े बड़े लोग व्यवसायी हैं उन लोग से चंदा उंदा लेके इकट्ठा करके चलाया जाता है। चलाया जाता है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि निराश्रित गऊ हैं, बहुत पुष्ट हैं, खा पी कर बड़ा ही अच्छा यहाँ सेवा हो रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि सब व्यावसायिक उद्देश्य से गौ पालन हो रहा है। यह देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो निराश्रित गऊ हैं, इधर उधर घूमने वाली हैं, बीमार हैं, बाझिन हैं, इस तरह की गऊओं की सेवा की जाती है, लेकिन यहाँ सेवा ऐसी हो रही कि बहुत स्वस्थ और कुशल हैं ये लोग। तो आप लोग मन से सेवा करते हैं, यहाँ के संचालक आप लोगों का सहयोग करते हैं? हाँ, हम लोग बहुत मन से सेवा करते हैं। बहुत अच्छा काम है, गौ सेवा तो वैसे भी बहुत पुनीत काम है। कितने लोग हैं आपके स्टाफ? हमारे यहाँ 4 स्टाफ है। जी जी, उनको काम भी आपने बांटा होगा? हाँ हाँ, सबका काम है, अलग अलग काम है। अलग अलग काम है, केवल गोबर वाली तो अपना उठाती है, बाकी तो हम लोग अपने से मिल के इकट्ठे हम लोग सब लोग करते हैं। हाँ। कितने टाइम में इनको चारा दिया जाता है? सुबह में 6 बजे के बाद दिया जाता है चारा। जी, और शाम को भी 4 बजे के बाद दिया जाता है। सुबह 6 बजे से चारा देना प्रारंभ होता है और फिर शाम को 4 बजे से? हाँ, शाम को 4 बजे से। जी जी, शहर के लोग छुट्टियों में आते भी हैं कुछ गौ सेवा करने? हाँ हाँ, संडे वनडे के लोग आते हैं। हाँ, हाँ। देखने के लिए जो गौशाला का अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सब मतलब सब लोग आते हैं। तो यहाँ के गौशाला के कार्य से आप संतुष्ट हैं, यहाँ के कर्मचारी? हाँ हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। परिवार सहित रहते हैं? हाँ, परिवार भी रहता है। रात में भी रहते हैं? हाँ हाँ, 24 घंटा आप लोग रहते हैं। बहुत अच्छा कार्य है, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आजमगढ़ शहर के मध्य में जहाँ किसानों के द्वारा भी गौ सेवा का कार्य नहीं आजकल ठीक ढंग से हो रहा है, वहाँ निराश्रित गऊओं के लिए इतना बड़ा आश्रय स्थल और आप सभी लोग मिलके और इस ट्रस्ट के माध्यम से सेवा का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप। ठीक।